शांति 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 हो। मंच पर विराजमान समस्त आर्यों के प्रेरणा स्रोत, आर्य समाज की अंतर्राष्ट्रीय संस्था सार्वदेशिक के प्रमुख परम पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज, कसाय वस्त्रधारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी आचार्य कोमल जी, आचार्य राकेश जी, यज्ञ विद्या के महान विद्वान, शायद आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, इस देश में बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो वृष्टि यज्ञ को जानते हैं, आदरणीय आचार्य डॉक्टर कमल नारायण जी उसके महारत हैं, उनको यज्ञ से वृष्टि करा सकते। तमाम चीजें हमें तब असत्य लगती है जब उसे हम आंखों से देख नहीं पाते, हमारी समझ हमारी बुद्धि के अंदर घुस नहीं पाती बातें। इसलिए बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि हम में से हमारे बीच में लोग क्या सोचते हैं। हमारे बीच कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे आदरणीय राकेश दुबे जी, झारिया जी, दिल्ली से पधारे हुए भ्राता दीक्षेंद्र जी, और मैं तमाम माताओं बहनों भाइयों आप लोगों का नाम नहीं ले रहा हूं, आर्य प्रतिनिधि सभा छत्तीसगढ़ के प्रधान आदरणीय पुरंग जी, अजय साहू जी, और तमाम वो लोग जिनका श्रम, जिनकी मेहनत, जिनकी उपस्थिति इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ा दे। एक बात कोमल जी ने छेड़ी थी, कुछ बात हमारे मित्रों को चुभी थी, वहां से मैं अपनी बात आरंभ कर रहा हूं। अक्सर ये दर्द ये पीड़ा हमारे बीच होती है कि शायद आर्य समाज के जो लोग हैं वो श्रद्धा को नहीं समझते, विश्वास को बनाते नहीं है। आपको मालूम है श्रद्धा किसे कहते हैं? इस उपस्थित सभा से मैं पूछना चाहता हूं कि श्रद्धा का अर्थ क्या है। मैं भी एक भागवताचार्य के पंडाल की एक फोटो व्हाट्सएप में वायरल देख रहा था, फेसबुक में देख रहा था, आप में से बहुत सारे लोगों ने वो देखा होगा। उन्होंने उस पंडाल के बाहर लिखा हुआ था, एक बोर्ड टंगा हुआ था, कृपया अपनी बुद्धि बाहर छोड़कर के आए, कृपया अपनी बुद्धि बाहर छोड़कर के आए, अगर बुद्धि लेकर के आएंगे तो शायद कथा का आनंद नहीं ले पाएंगे, कथा आपको समझ में नहीं आएगी। बस आप उनमें और हम में अंतर ये इतना ही है। हम कहते हैं बुद्धि लेकर के आओ, समझ लेकर के आओ, सोच लेकर के आओ, विचार लेकर के आओ, सोचने और उसे तराजू पर तौलने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने श्रद्धा का भाव, श्रद्धा का अर्थ लिखा है, शब्द सत्यम सत्यम दधाति की श्रद्धा। सत्य वो नहीं है जो कुछ भी कहना सिखा दे, सच वो नहीं है कुछ भी मानना सिखा दे, सच वो नहीं है कि आपको अगरबत्ती घुमाना सिखा दे। स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं श्रद्ध सत्यम दधाति इति श्रद्धा। श्रद्धा वो है जो सत्य को जानना सिखा दे, श्रद्धा वो है जो सत्य को मानना सिखा दे, श्रद्धा वो है जो सत्य के सामने झुकना सिखा दे। इसलिए मेरा कोई आग्रह नहीं है, हमारा कोई निवेदन नहीं है, हमारा कोई अपना संप्रदाय नहीं, हमारी अपनी कोई मान्यता नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं आर्य समाज का एक ही मोटो है, एक ही लक्ष्य है कि सत्य को जानने समझने के लिए सर्वदा उद्यत रहिए, हमेशा तैयार रहिए कि सत्य जहां से मिल जाए उसे मैं पालू, उसे मैं स्वीकार करूं। दुबे जी का भी यही आग्रह है, मेरा भी यहां यही आग्रह है, तमाम सन्यासी प्रचारक विद्वान जो मेरे साथी बैठे हैं सबका मात्र यही आग्रह है। अगर आपका इसके विपरीत दुराग्रह है तो शायद हमारा और आपका बीच संबंध नहीं होगा। इसलिए सत्य को सामने रखिए, आपके हमारे प्रेम सतत प्रगाढ़ होते जाएंगे। आपको मालूम है पुराण किसे कहते हैं? ऋषि दयानंद सरस्वती ने पुराण की परिभाषा लिखी कि जिसे आप पुराण समझते हैं वो पुराण नहीं नवीन है। आपने इतिहास पढ़ा है? भागवत के कथाकार कोमल जी बहुत प्यारी बात कह रहे थे, मुझे एक छोटा सा चुटकुला याद है। कहीं एक मोहल्ले में गली में किसी की मृत्यु हो गई, कोई मर गया, हम उसे स्मरण कर रहे थे कि चौधरी जी बहुत अच्छे इंसान थे, अब वो चले गए, उनको बहुत काजू कतली बड़ी प्यारी थी। कहने लगे भाई अब काजू कतली कौन खाएगा? तो पड़ोस का जो दोस्त था, मित्र था, संबंधी था, कहने लगे चिंता क्यों करते हो, मैं बोला। फिर उन्होंने कहा भाई कि वो बड़े रेशम के कुर्ते पहनते थे, वो अब कौन पहनेगा? उसने कहा चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। तो तमाम ऐसी बातें
एक के बाद एक जो अच्छी बातें लगती हैं जो हमारे लिए हितकर हो सकती हैं, और उसने कहा भी कि मैं हूं ना, चिंता क्यों करते हो, शाहरुख खान के स्टाइल में। और फिर तीसरी बात आ गई कि भाई एक आदमी ने कहा कि मेरा 3 लाख उस पर कर्जा था, वो कौन चुकाएगा। अब लोग उसकी तरफ देखने लगे, मुस्कुराने लगे। तो उसने कहा कि सबका मैं ही करूंगा, तुम तो तुम कर लो। बस कृष्ण की कहानी के साथ इस चुटकुले को जोड़ दो भागवत की कहानियों के साथ, तो शायद साथ समझ में आ जाए। जो जो बातें, मिठाई खाना अच्छा लगता है, कुर्ता पहनना अच्छा लगता है, श्रृंगार करना अच्छा लगता है, दर्पण देखना अच्छा लगता है, हम कहते हैं कि ये सब काम हम कर लेंगे, रास हम रचा लेंगे, माखन हम खा लेंगे। और जब बात आती है कि चक्र सुदर्शन कौन चलाएगा, दुर्योधन की सभा में जाकर के उसे चैलेंज कौन करेगा, चुनौती कौन देगा, तब हम कहते हैं कि किसी और को देख लो यार, पड़ोसी को देख लो, जहां की बात है। क्योंकि मुझे इजाजत नहीं है, मैं 2 मिनट में अपनी बात समेटने की कोशिश करूं कि हम सब चाहते हैं कि भगत सिंह बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे क्रांतिकारी थे, पैदा जरूर होने चाहिए, देश को उनकी जरूरत थी, लेकिन माताएं कहती हैं कि मेरी कोख से नहीं होना चाहिए, पड़ोसी के घर पैदा हो तो अच्छी बात है, दयानंद पैदा होना चाहिए, लेकिन मां अगर तुम तपस्या नहीं करोगे, तुम अपनी तैयारी नहीं करोगे, तो दयानंद नहीं आएगा, भगत नहीं आएगा, कृष्ण नहीं आएंगे, राम नहीं आएंगे। जिन संस्कारों की बात उन्होंने कही थी, मैं बात सिर्फ समेटना चाहता हूं, कोई नई बात नहीं कहूंगा। हमारे भीतर एक राष्ट्रीय स्वाभिमान होना चाहिए। एक छोटा सा प्रसंग कृष्ण के जीवन से उठाता हूं कि सारी बातें विनीत जी ने कह ली, मेरे पूर्व वक्ताओं ने कह ली। कृष्ण जब एक प्रस्ताव लेकर के गए, और प्रस्ताव के बाद क्या हुआ आपको मालूम है, कैसे उसे बंदी बनाने की कोशिश की, वीरता का परिचय दिया, समझौता नहीं हुआ, युद्ध को टाला नहीं गया, उसके बाद का एक प्रसंग, एक श्लोक आपके बीच रखना चाहता हूं, इसलिए रख रहा हूं कि शायद वो बात मुझसे पहले किसी ने नहीं की। तो उन्होंने दुर्योधन के, चूंकि वो राज निमंत्रण पर आए थे, उन्होंने कहा भी कि मेवा मिष्ठान भोजन लगाया जाए, अतिथि सत्कार किया जाए। तो उस समय कृष्ण का स्वाभिमान देखिए, आपको मालूम है कोई किसी के घर भोजन करता है तो क्यों करता है, 2 कारण बताए भगवान कृष्ण, संप्रत्यन्यानि भोज्यानि आपद भोज्यानि वा पुनः न च संप्रियसे राजन् न चैव आपद्गतः। जब भोजन का आमंत्रण निमंत्रण मिला तो उन्होंने कहा कि दुनिया में भोजन किसी और के घर सिर्फ 2 कारणों से करता है। वो कहते हैं कि संप्रत्यन्यानि भोज्यानि, एक तो प्रीति हो, प्रेम हो, तो मैं प्रेम के कारण दूसरों के घर भोजन करता हूं, दूसरों का आतिथ्य स्वीकार करता हूं वहां जाकर के। और दूसरी बात, रात हो गई है, एक बार हम अग्रवाल जी को याद कर लेते हैं कि रात हो गई है, ठहरना है, भोजन करना है, तैयार करके रख लेना अधिकार के साथ। आपत्ति है, संकट है, संभव नहीं है, तो हम अपने मित्र को याद कर लेते हैं कि आज आपके यहां भोजन करें। और उन्होंने दुर्योधन से कहा, जो उस समय का राजा था, उसके दरबार में उसको चुनौती देते हुए कहा, न तो संप्रिय से राजन, कि तेरे और मेरे बीच प्रीति नहीं है, प्रेम का संबंध नहीं है, तूने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया, इसलिए मैं तेरे घर भोजन नहीं करूंगा। यह स्वाभिमान देश का जगना चाहिए। आपको मालूम है कि नहीं पता नहीं, हमारे देश के रक्षा मंत्री अमेरिका, पुरानी घटना है, अब वो मंत्री भी जीवित नहीं है, और नाम मैं लेना नहीं चाहता, संदेश सिर्फ देना चाहता कि जब वो विदेश की यात्रा पर गए तो उनके कपड़े उतारे गए, और कपड़े उतारे गए ये खबर किसी को पता नहीं लगती। जब अमेरिका का विदेश मंत्री अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है, अपनी जीवनी लिखता है, तब पता लगता है कि किस किस के कपड़े हो। ये इस देश का स्वाभिमान है। देश का स्वाभिमान वो होना चाहिए जो कृष्ण ने सिखाया, हम उनसे सीखें। मेवा मिष्ठान के लिए बिके नहीं, बहुत लंबी बात नहीं करता। श्री कृष्ण का चरित्र हम इसलिए कहते हैं कि भागवत के लोग कलंकित करते हैं। अग्रवाल जी से बात ये निवेदन करना चाहता हूं व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि वो मेरे प्रति प्रेम विश्वास उनका है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी को, श्रोताओं को कभी ये बात नहीं बताई गई भागवत की कथाओं में कि उनका उज्जवल स्वरूप क्या था। कि कभी किसी भागवत कथाकार ने बताया कि अपनी पत्नी के साथ विवाह हो जाने के बाद 12 वर्ष तक जो व्यक्ति ब्रह्मचारी रहता हो, बद्री फल खाता हो,
और अपनी पत्नी को भी कहता हो कि तू भी ब्रह्मचारी रह, वह व्यक्ति रास्ता जाएगा। क्यों इस घटना का जिक्र नहीं होता? क्योंकि अगर इन घटनाओं का जिक्र होगा तो हम उन भागवत कथाओं के ऊपर क्वेश्चन करने लग जाएंगे कि जब इतना उदात्त चरित्र था कृष्ण का तो तुम नाचते क्यों, तुम क्यों चक्र नहीं उठाते, क्यों तुम राष्ट्र की सेवा के लिए नहीं आते, क्यों तुम समाज सेवा के लिए नहीं आते, क्यों तुम जरासंध को चुनौती नहीं देते, क्यों तुम दुर्योधन का मेवा मिष्ठान टुकड़ा करके विदुर के प्रेम को स्वीकारते नहीं। लंबी बात नहीं करता, दो चार पंक्तियां आपके बीच रखता हूं कि हे योगीराज तुमको भारत बुला रहा है, हे योगीराज तुमको भारत बुला रहा है, गीता का पाठ पढ़ना वह फिर से चाह रहा है। घी दूध मिश्र मक्खन खाते कभी थे बच्चे, घी दूध मिश्र मक्खन खाते कभी थे बच्चे, चॉकलेट चिप्स पिज्जा बर्गर खा रहा है, योगीराज तुमको भारत बुला रहा है। गोधूली वेला में गौवे थी लौटा करती, गोधूली वेला में गौवे थी लौटा करते, अब देखो सांग से वो कुत्ते घुमा रहा है, योगीराज तुमको भारत बुला रहा है। जो विश्व में बड़ा था जिससे सभी डरे थे, हिंदुस्तान के उस गरिमा की बात हो रही है, जो विश्व में बड़ा था जिससे सभी डरे थे, यह चीन पाक उसको आंखें दिखा रहा है, योगीराज तुमको भारत बुला रहा है। गीता का पाठ पढ़ना वह फिर से जा रहा है। पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, दुबे जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपने विचार आपके बीच रखूं। तो श्रद्धा और विश्वास के अंतर को समझें, और स्तुति का अर्थ ये कि जो जैसा है उसको वैसा जानना वैसा मानना, बस इतना हमारा आग्रह है। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छी बात, सार गर्भित बात हम सबके सामने प्रस्तुत की है, और आप सबको